नमस्कार दोस्तों दोस्तों ETS जूरी के 10 इंजीनियरिंग स्टूडेंट के द्वारा एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के कंसेप्ट को रिवील किया गया है। ये इलेक्ट्रिक कंसेप्ट मोटरसाइकिल अपने डिजाइन और फ्यूचरिस्टिक लुक के अनुसार पार्टी और यामा जैसी कंपनियों के द्वारा बनाए गए मोटरसाइकिल के साथ भी कम्पीट कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम इस इलेक्ट्रिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और इसकी खूबियों को जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक कार और बाइक से जुड़ी आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। दोस्तों इस वक्त मार्केट में उपलब्ध इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को इनकी शॉर्ट रेंज होने के कारण काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े बेनिफिट्स के कारण लीडिंग मैन्युफैक्चरर और स्टार्टअप के द्वारा अपने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया जा रहा है। ETS जूरी के 10 इंजीनियरिंग स्टूडेंट के द्वारा एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के कंसेप्ट को अनवील किया गया है। इस इलेक्ट्रिक कंसेप्ट का मेन मोटिव लंबी दूरी तक चलने वाले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को प्रमोट करना है। दोस्तों नॉर्मली व्हील हम मोटर ई बाइक के रियल व्हील में ही लगाई जाती है, लेकिन हमारे द्वारा किसी भी टू व्हीलर को चलाते वक्त ये फ्रंट ब्रेक्स का ही प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण हमारी 75% तक ब्रेकिंग एनर्जी बिना किसी प्रयोग से ही खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के कंसेप्ट में इसी ब्रेकिंग एनर्जी का प्रयोग करने के लिए व्हील हब मोटर इसके फ्रंट व्हील में लगाई गई है। वो इस इलेक्ट्रिक बाइक को चलाने के साथ साथ रीजनरेटिव का प्रयोग करते हुए इसकी बैटरी को चार्ज भी करेगी। इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के फ्रंट और रियर में दो अलग अलग इलेक्ट्रिक हब मोटर का प्रयोग किया गया है, जिसको इसी ग्रुप के द्वारा डेवलप भी किया गया है। इस इलेक्ट्रिक बाइक के लिए एक फास्ट चार्जिंग हाई परफॉर्मेंस और लॉन्ग सर्विस लाइफ वाली बैटरी को डेवलप किया जा रहा है। इस बैटरी पैक को ठंडा रखने के लिए इसमें ऑयल कूलिंग का प्रयोग किया जा रहा है। अगर इस इलेक्ट्रिक कंसेप्ट की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें एक 15 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है, जिसको एक बार फुल चार्ज करके लगभग 315 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसमें 16.7 किलोवाट की दो व्हील हब मोटर्स लगाई गई हैं, जो इस बाइक के लिए लगभग 70 किलोवाट की पीक पावर को जनरेट कर सकती हैं। इस इलेक्ट्रिक बाइक के वेट को कम से कम रखने के लिए इसके लिए टेबुलर फ्रेम को डेवलप किया जा रहा है। इसमें सारे इंटरफेस को दिखाने के लिए एक डिस्प्ले को भी लगाया जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के डेवलपिंग फेज में होने के कारण इसको प्रोडक्शन लाइन तक जाने में अभी थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन स्टूडेंट के एक ग्रुप के द्वारा एक शानदार इलेक्ट्रिक कंसेप्ट को शोकेस किया गया है। विश्व में इस बाइक से एक शानदार इलेक्ट्रिक बाइक की संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।